सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सीमा और आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से मेरे एक नए व्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड के जोहार वैली मुनस्यारी के इस खूबसूरत क्षेत्र से। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए फिर दोस्तों आज की नई व्लॉगिंग की शुरुआत भी कर ही लेते हैं। आज है दोस्तों नवरात्र का छठा दिन और आज भी मेरा फास्ट है। मौसम की बात किया जाए दोस्तों तो मौसम का हाल भी बहुत ही अच्छा है। आजकल रोज खिली खिली धूप आ रही है। और दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे वहाँ चल रहे हैं रामलीला, तो रामलीला में भी लक्की ड्रॉ रखा गया है। तो ये देख सकते हैं लक्की ड्रॉ में दोस्तों आप ये देख सकते हैं सबसे पहले जो प्रथम पुरस्कार है वो है LED TV, द्वितीय पुरस्कार है दोस्तों वॉशिंग मशीन और तृतीय पुरस्कार है मोबाइल फ़ोन और चतुर्थ जो पुरस्कार है वो है सिलाई मशीन और जो पंचम पुरस्कार है वो है हीटर दोस्तों। तो ये जो लक्की कूपन का जो पर्चा है वो मात्र 50 रुपये का है। सुबह से दोस्तों आपको सीधे मैं मिल रही हूँ शाम के 3 बजे। दोस्तों अभी मैं रेडी हुई हूँ मेला देखने के लिए। हमारे वहाँ दोस्तों तीसरा मेला होता है मिलन कुटिया का। तो आज है दोस्तों 8 अक्टूबर और 8 अक्टूबर को दोस्तों नीचे मिलन कुटिया में तो मेला है। वहाँ पे दोस्तों माँ उल्का माता का मंदिर है और उसी मंदिर में दोस्तों हर साल अक्टूबर के महीने में मेला होता है। तो आज दोस्तों वहाँ पे मेला है तो हम लोग भी जा रहे हैं मेला देखने के लिए। और अभी मेरे साथ वाले कोई भी नहीं आए हैं। पिछली बार हम दरकुट का मेला जल्दी चले गए थे, 2:30 बजे वहाँ पहुँच गए थे। आज मैं यहाँ पे दोस्तों 3 बज गए हैं फिर भी हम लोग घर पे ही हैं और अभी हम लोगों को पैदल पैदल जाना है नीचे की तरफ को। चलिए दोस्तों हम लोग निकल गए हैं घर से मेला देखने के लिए। मेरे साथ वाले भी आ गए हैं, वो लोग आगे पे चल रहे हैं। उफ अभी थोड़ा चले हैं, अभी से हालत ख़राब हो गई है। कैसा होगा नीचे जाने तक। मौसम भी दोस्तों कुछ ऐसा हो गया है, अभी अभी बहुत सारे बादल आ गए हैं आसमान में। कहीं ऐसा ना हो दोस्तों जैसे दरकोट के मेले में हुआ था बारिश वैसे ना हो। मेरे साथ वाले दोस्तों ये है निस्सु और नीचे पे है आशु, पीछे पे का नीचे पे आशु यहाँ देखना बहन। आज कितने दिनों के बाद आशु के दर्शन हो रहे हैं मेरे ब्लॉग में। तो आशु मैं और निस्सु जा रहे हैं। हाँ निस्सु भी आज बहुत दिनों के बाद आ रही है। तो गाइस अभी हम लोग शॉर्टकट के चक्कर में हम लोग नाना सिंह गाँव आज हम लोगों ने देख लिया है। रास्ते के मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ ब्लॉग क्योंकि दोस्तों ब्लॉग लंबे बन जाते हैं। वैसे भी आज मेला है तो मेले का ही दिखाऊंगी करके मैंने आपको रास्ते का कुछ भी नहीं दिखाया। आज हम पूरा नाना सिंह गाँव भटक गए हैं शॉर्टकट के चक्कर में। तो चलिए दोस्तों भटकते भटकते लगभग आधा घंटा लग गया था हमें घर से मेले में पहुँचने तक। तो अभी हम लोग पहुँच गए मेले में, तो आपको भी दिखाते हैं मेला मिलन कुटिया का। पीछे से माही लोग भी आ रहे शायद। आपके सब्सक्राइबर मिले थे, मेरे को पूछते थे कि सीमा ब्लॉगर चले गए आगे। मैंने बोला हाँ आगे चले गए वो। अच्छा अच्छा चलो आओ, वो लोग कहाँ तुम्हारे साथ वाले। हाँ ठीक है फिर आओ। तो लीजिए दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो गया है मेला। जैसे ही यहाँ पे पहुँचे नीचे से ना झांकी टाइप की आती है तो वो आ रही है। ये देख सकते हैं सभी लोगों ने जो हमारे यहाँ का कल्चर है वाइट टोपी तो वो पहना हुआ है जिसे हमारी भाषा में बुर्ती टोप बोला जाता है। और नीचे से दोस्तों जो हमारे यहाँ का कल्चर है घाघरा चोली घगर कमल वो भी सभी महिलाओं ने यहाँ पे पहना हुआ है। तो ये रहा दोस्तों मंदिर का गेट। अभी हम लोग सीधे मंदिर पे जाएंगे क्योंकि वहीं पे करेंगे हम पहले दर्शन, उसके बाद मेला वगैरह देखेंगे। और ये देख सकते हो भीड़ कितनी है यहाँ पे को। तो गाइज हम लोग नीचे से आके मेन गेट पे पहुँच गए हैं मंदिर के। ये है माँ उल्का देवी का मंदिर जो जेती गांव में पड़ता है और इस गांव का नाम मिलन कुटिया है। चलिए दोस्तों अभी हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर परिसर के अंदर और यहाँ पे ना अभी जो नीचे की झांकी है वो यहाँ पे आएगी तो आपको झांकी भी दिखाएंगे। बाकी दोस्तों ये रहा मंदिर, उल्का माता का मंदिर है और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कितनी ज़्यादा भीड़ है। बहुत लोग आए हैं मेला देखने के लिए। आपको पता है दोस्तों गाँव घरों में ना मेले के बहुत शौकीन होते हैं। मुझे मेरे सब्सक्राइबर मिल गए हैं। हेलो कैसे हो? तो आते ही मुझे मेरे सब्सक्राइबर मिल गए हैं। और ककड़ी मिला है भगवान की प्रसादी। अच्छा कब आए आप लोग? अच्छा कैसा लग रहा है फिर मेले में आके? तो गाइज मुझे मेरे सब्सक्राइबर मिल गए हैं, ये देख सकते हैं। कहाँ कहाँ से आए हो आप लोग? अच्छा और आप? और ये? से। अच्छा कैसा लग रहा है फिर? बहुत अच्छा, हम तो सब बहुत देखते रहते, वीडियो देखते रहते। अच्छा। हमारा वीडियो भी देखना। हाँ हाँ मां नंदा कुमावनी भजन। अच्छा वो है आपका? हाँ अच्छा सब्सक्राइब करना। थैंक यू सबका वीडियो। थैंक यू सो मच। हमारा वीडियो थैंक यू। एक बुआ पा उन्होंने आपके बेटे ने कॉमेडी बहुत अच्छा लगता है, टैटू अच्छा बनाते वो। मैंने कहा है मेरा वीडियो चल जाएगा तो फ्री में बना देना। अब जब हल्द्वानी जाऊंगी ना तब आ जाना हमारे यहाँ।
हाँ हाँ जरूर शिव शाही कॉलोनी में आना। अच्छा अच्छा वृंदावन बिहार में जा रही है वो अभी यहाँ पे आएगी, तो सभी लोग यहाँ पे देवता देखने के लिए, ये देख सकते हैं आप लोग, सभी लोग यहाँ पे अपना अपना जगह बना के बैठ गए हैं, खड़े हो गए मतलब, क्योंकि यहीं से अभी देवता वगैरह देखेंगे। सामने से झांकी आ रही है मंदिर पे, और यहाँ पे ना अभी आके दोस्तों देवता आता है, तो सभी लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं देवता देखने के लिए सभी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। सब्सक्राइबर मिल गए, हाय कैसे हो, कहाँ से हो, यहीं से, अच्छा कहाँ है गांव, अच्छा कैसा लग रहा है फिर, हाय कैसे हो, मैं भी बढ़िया, हाय थैंक यू। गाइस मुझे आंटी जी मिल गई है, जो मेरे वीडियोस देखते हैं, थैंक यू आंटी, तुमर से आए हो, थैंक यू तमर, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे वीडियो चैनल है तमर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा थैंक यू थैंक यू, ऐसे प्यार सपोर्ट करते रहे तिमले, चाहते रहे अपन मोटो वाल छोड़ तो सपोर्ट करते रहे हो, बाय करा, ओहो जिया जी, ओए ओए ठीक छे ठीक छे, ओए ओए ऑल ओ कब छुआ, अच्छा अच्छा सब वो की करना ना, ओ हरी प्रदर्शनी, हाँ जरूर जरूर तिमिल पटेल आप जरूर ऑल, ओए ओए ठीक छे ठीक छे, बोलना नमस्ते। थैंक यू सो मच सब ने, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे वीडियो चैनल है हेल्प, यस सर चाहते रहे, थैंक यू थैंक यू। तो गाइज हम लोग मंदिर में ना दर्शन वगैरह करके आ गए, बाकी दोस्तों वहाँ पे ना देवता आ रहा था, तो देवता आने का ना वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, तो इस वजह से मैंने शेयर नहीं किया। और यहाँ पे को ना दोस्तों बारिश भी स्टार्ट हो गया है, अब देखते हैं मेला कैसा होता है, मेले का मजा तो किरकिरा कर ही दिया है बारिश ने, देख सकते हैं दोस्तों बारिश स्टार्ट हो गई है और सभी लोग नीचे ऊपर कर रहे हैं, सभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि घर जाएं यहाँ रुके, क्योंकि अभी जो मेला स्टार्ट हुआ है। तो गाइज अभी हम लोग नीचे पे जा रहे हैं, वहाँ पे ना चांचरी लगे हुए हैं, तो आपको भी दिखाते हैं, मेला हो और चांचरी ना लगे ऐसा हो सकता है, तो सभी गाँव के लोग दोस्तों यहाँ पे नीचे पे चांचरी लगे हैं। तो गाइज ये देखो मेरे सब्सक्राइबर वीडियो कॉलिंग करके भी मेरे से बात कर रहे हैं, ये देखो आपकी दीदी है, हाय ठीक हो, अच्छा देहरादून रहते हैं, अच्छा थैंक यू सो मच बोल देना फिर दीदी को। चांचरी गाने की कितनी शौकिंग होते हैं दोस्तों गांव वाले, आप देख ही सकते हो बारिश स्टार्ट हो गई है और इतने बारिश में भी यहाँ पे चांचरी लगे हुए हैं।
मलेरा बढ़िया नमस्ते। तो गैस यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर मिल गए मुझे, वीडियो में डालो बोल रहे, तो इनकी डिमांड पे मैं इनको वीडियो में डाली और ये मेरे साथ पढ़ती थी। नमस्ते दोस्तों बोल, नमस्ते दोस्तों। हाय बोल दो, हाय। ये देखो दोस्तों सब्सक्राइबरों का फोन आ रहा है। हेलो गाइस कैसे हो? तो गाइस मुझे फिर से सब्सक्राइबर मिल गए मेरे, देखते हो मेरा व्लॉग? अच्छा थैंक यू सो मच व्लॉग देखने के लिए। नीचे पे दोस्तों आप देख सकते हैं झूला भी लगा हुआ है इस मेले में, और मैंने दोस्तों दो मेले में ना झूला नहीं था लेकिन इस वाले मेले में झूला लगा, तो बच्चों के तो मजे आ गए दोस्तों, सभी बच्चे यहाँ पे झूल रहे हैं। बाकी दोस्तों अभी मौसम भी बड़ा अच्छा हो गया है, बूंदाबांदी हो ही रही थी, बारिश हो रही थी लेकिन अभी बारिश बंद हो गया है, तो सभी लोग मजे से मेले में घूम रहे हैं। गाइस मुझे फिर से मेरे सब्सक्राइबर मिल गए हैं, आज तो सब्सक्राइबरों का बहार हो रहा है दोस्तों, जहाँ भी देखो मेरे सब्सक्राइब मिल रहे, तो थैंक यू आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं। ये तो मेरी फ्रेंड की दीदी है, शोभा की दीदी है, जो इनकी बहनों मेरे साथ ही पढ़ती थी, मेरी क्लासमेट है, और मेरे हस्बैंड तो इनके बहुत ही बड़े फैन है। और कभी कभी मुझे गुस्सा भी आता, रात दिनों आप ही का ब्लॉग देखते रहते हैं, जलन हो रहा है, जलन आपके आपका ब्लॉग देखते फिर भी बुलाते हो, सुनते ही नहीं है, भूल जाते हैं आपका ब्लॉग देखते। थैंक यू सो मच भैया, आप मेरा ब्लॉग देखते, भैया का दिल आपने आप दन क्या भेम। हाय आपकी बेटी है ये, हेलो बोलो, बोलो हेलो। यहाँ पे को गर्मा गर्म जलेबी बना रहे हैं। यहाँ देखो गाइज शर्मा क्यों रो गाइज। कैसे हो गाइज, कैसा हो दुकानदारी, कैसा चल रहा है? अरे ओके रिपोर्ट है। अच्छा बेची ले रहे बैग बैगी है, दिखो चले डबल गड्डी है। तो दोस्तों यहाँ पे गर्मा गर्म जलेबी और चाउमीन बन रहा है। तो गाइज सामने पे भटुआ बना है, ये देख सकते हैं हमारे वहाँ मेलों में दोस्तों भटुआ भी बनता है, तो यहाँ पे भटुआ बना है लेकिन हमारे तो रहते हैं, हम तो नहीं खा सकते हैं। नीचे नीचे कर, तो यहाँ पे दोस्तों स्टॉल वगैरह की दुकान लगी हुई है, यहाँ पे ना नए नए दुकान देखने को मिल रहे हैं, और इधर को देख सकते हैं आप, इधर पे ना घड़ी की दुकानें लगी हुई हैं। ये देखो अजय सर जी क्या खरीद रहे हैं, घड़ी खरीद रहे हो? अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे ना कॉलेज के अध्यक्ष है मुंसारी कॉलेज के, तो वो लोग यहाँ पे घड़ी की खरीदारी कर रहे हैं। बच्चों के खिलौने की दुकानें लगी हुई है दोस्तों इधर साइड पे, और ये देखो खरीदारी कर रहे हैं अपने अपने मूल्यांकन के लिए ले रहे हैं।
वही किली ना गुड़िया यो राम नहीं नहीं बिरादा योल कोई के लिए ना तो रेद अच्छा तो यार घर गृहस्थी बता नहीं वह लेने का होता है वही तो। ये देखो दोस्तों ये मेला भी ना रास्ते में ही लगता है, तो रास्ते के अगल बगल दुकानें लगी है, तो बीच में इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है चलने का ना जगह ही नहीं हो, चलने में जगह ही नहीं हो रही बहुत ही ज्यादा। यहाँ पे दोस्तों चप्पलों की दुकान लगी हुई है और सभी महिलाएं जो है वो चप्पलों की खरीदारी कर रहे हैं। ये देखो सैन नहीं है कसोहर सैन है इसके बर। यहाँ पे को दोस्तों आप देख सकते हैं सारे बर्तनों के दुकान लगे हुए हैं। कहाँ से आए हो भैया आप? रुद्रपुर से आए हो? कैसे चली दुकानदारी? अच्छा होगा होगा अभी अभी ले जाएंगे। कुर्तियों का भी लगा हुआ है दुकानें, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कुर्तियाँ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे सारे जो भी हैं गर्ल्स आए हुए हैं कुर्तियाँ लेने के लिए, क्योंकि लड़कियों को ना कपड़े से बहुत ही ज़्यादा प्रेम होता है, तो यहाँ पे ना ज़्यादातर लड़कियाँ ही दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे सुंदर सुंदर से कुर्तियाँ लगी हुई हैं। यहाँ चैसे शहन को ही रखा तारा माता रा खुजाल। हेलो भैया कहाँ से आए हो आप? रामनगर से आए हो? कब पहुँचे यहाँ? 3 दिन हो गया। अच्छा दुकानदारी सही चल रही है? नहीं ले रहे कोई? अभी लेंगे लेंगे अभी लेंगे लेंगे। अंगूठियाँ हैं यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी है, देख सकते हैं भैया रामनगर से आए हैं और इतनी अच्छी अच्छी अंगूठियाँ लेके आए हैं। ये देना बेटा, ये देखो बोला ना मैंने अभी आ जाएगा करके, ये देखो मेरे आते ही आ गए, देखो देखा। तो गाइज ये देख सकते हैं यहाँ पे फाटू जींस का भी दुकान लगा हुआ है, सारे यहाँ पे डैमेज जींस और 200-200 रुपए का सेल लगा है दोस्तों यहाँ पे को। इस वाले मेले में दोस्तों दुकानें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही। और ये भैया भी मिल गए मुझे, कहाँ से आए हो भैया? हल्द्वानी से आए हो? अच्छा कब पहुँचे यहाँ? अच्छा मेले के लिए आए होंगे ना? नीचे पे दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे पे बच्चों के बड़े मजे आए हुए हैं, यहाँ पे जंपिंग जपांग लगा हुआ है, तो सभी लोग यहाँ पे उछल रहे हैं। तो गाइज अभी हम लोग आए हैं मोमो खाने के लिए, मतलब मैं तो नहीं खा रही हूँ, हम लोग आंसू को खिला रहे हैं मोमो, क्योंकि उसका फास्ट नहीं है और वो सर मार रही है। तो गाइज यहाँ पे मेरे को मिल गए हैं हरीश, जो मेरे फ्रेंड है कप्पू, जिनके वहां मैं जाती रहती हूँ, उनके हस्बैंड है हरीश और ये उनके बेबी। खाना बोलो ना, मैं उदिन छा गई हूँ, मेरा ऑन तकला भेज गई आ रही हूँ। हाय बोलो बेबी, हाय बोलो बच्चा, नमस्ते बोलो मौसी को, कैसी है? ठीक दोस्तों, ये उस दिन आई थी मार्केट, मेरे से मिलके नहीं गई तो मैं गुस्सा हुई थी। आप क्या कर रहे हो? मेरे दिल बस बढ़िया चुका हूँ, मानी की चाहिए मैं खोशी की चुम मैं कह के आप चलिए मोमो खोल आप मोमो खोल ऐसा बनना है अरे नहीं खोल आप लुटना उपाय खूब लगे रहे। तो गाइस मेरे को मेरी दोस्त मिल गई है, कैसी है? ठीक, घर पे सब ठीक है? दीदी लोग सब ठीक है? सब ठीक है। अच्छा चलो फिर चलो बाय बोल देते बाय। तो गाइस यहाँ पे आशु के लिए आ गया मोमो। कैसा और आशु, कैसे रस्वाद और है ना बस?